हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रोजी क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हाई लो ड्रेस की लाइनिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो कहीं पे वीडियो को स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, उसकी जो विड्थ है वो 42 है और लेंथ 40 इंच है, और ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। उसके बाद हम एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो गया। ये जो ड्रेस है वो 12 साल बच्चे के लिए है, बेबी गर्ल के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे वो 6.5 इंच, और आर्म होल भी हम लेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे, और जो इसका बस्ट है उसका 1/4 भाग लेंगे। हम यहाँ पर 8 इंच पे मार्क लगा रहे हैं, और इसका बस्ट है वहाँ पर भी हम 1/4 भाग लेंगे, और जो हमारा नेक है उसकी विड्थ हम 2 इंच रखेंगे और डीपनेस 5 इंच। और यहाँ से हम बॉटम पार्ट देख लेते हैं, जितना है उसका हम 1/2 लेंगे। हम यहाँ पर 11 इंच पे मार्क लगाए हैं, और यहाँ से हम लेंथ देख लेते हैं। तो यहाँ से इसकी लेंथ है 33 इंच, और यहाँ से हम इंच टैप नीचे रखेंगे, और नीचे से हम यहाँ देख लेते हैं 13 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, और इसको और जो हमारा सेंटर में 1 मार्क लगाया था वहाँ पर मिला देंगे। इस तरह से हमें सीधा से मिला लेना है, और फिर इसको हम दूसरी साइड से भी इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जो हमने वेस्ट तक मार्क लगाया था वहाँ से हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब हम मार्किंग एरिया को कट कर लेते हैं। जिस तरह से हमने लाइनिंग किया है उसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेना है, और ये हमारा बॉटम कुछ इस तरह से शेप में कट हो, और जो फैब्रिक बचा है उससे हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। हमें नॉर्मली स्लीव की कटिंग कर लेना है, और इस तरह से हमारा स्लीव भी कट हो गया है, देख सकते हैं। और ओपन करने पर हमारा हाई लो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो हमने हाफ यहाँ पर अस्तर यूज़ करना है, तो चलिए सबसे पहले हम नेक में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसकी नेक की कटिंग नहीं करना है, और इस तरह से रख करके हमने जो मेन फैब्रिक में नेक कटिंग किया है वहीं पर स्टिचिंग करेंगे। और इस तरह से हमने नेक में स्टिचिंग कर लिया है। अब जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम नेक के जैसा कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, और इसे हम सीधी साइड पलट देंगे और एक फिनिशिंग वाला सिलाई लगाएंगे ऊपर की ओर। हमें अच्छे से सिलाई लगाना है, और ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों में इसी तरह से स्टिचिंग करना है। और इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों नेक हमने सेम इसी तरह से स्टिचिंग करना है। उसके बाद चलिए हम शोल्डर में सिलाई लगाते हैं। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को हम अपोजिट साइड रखेंगे और शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद शोल्डर में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। हम ऐसे दोनों स्लीव को स्टिच कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं हमने स्लीव की भी स्टिचिंग कर लिया है। अब जो हमारा फिटिंग वाला सिलाई है वो लगाएंगे। पहले हम फिटिंग वाला लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद, और ये हमारा गोल्डन लेस है उसको हम फ्रंट वाला पार्ट में सेंटर में स्टिच कर देंगे, और इस तरह से हमारा लेस स्टिच हो गया। जो इनर साइड में सिलाई लगाएंगे वो जो हमारा वेस्ट है वहाँ तक हम फिटिंग वाला सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा बॉटम पार्ट है वहाँ तक हम लूजिंग रखेंगे, पूरा लूजिंग। और देखिए ये हमारा हाफ लाइनिंग है, वहाँ तक हम फिटिंग वाला सिलाई देंगे, और यहाँ से हम क्रॉस करके पूरा लूजिंग रखेंगे बॉटम पार्ट तक। उसके बाद चलिए अब हम नीचे बॉटम में स्टिचिंग करेंगे। आप बॉटम पार्ट है वहाँ पर हम लटकन वाला लैस स्टिच कर सकते हैं, उससे हमारा ये जो हाईलो है वो अच्छा लगेगा देखने में। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग।